हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत इजी डिज़ाइन है, जेंट्स स्वेटर में के डिज़ाइन, जेंट्स के स्वेटर में आप ये डिज़ाइन डाल सकते हैं। आप ये देखेंगे कितना सुंदर सा डिज़ाइन लगता है। ये बहुत अच्छा और बहुत इजी वे में बनता है। बेसिकली बिगनर्स के लिए है, जो आसानी से बनाना चाहते हैं इसे, उनके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए देखिए, तीन तीन फंदों के मल्टीप्लीकेशन में डिज़ाइन है। और स्टार्टिंग में मैंने एक फंदा उतारा है और एक फंदा बनाया है, और एंड में भी हमने दो फंदे रखे हैं, यानी कि स्टार्टिंग और एंड में दो दो फंदे, बाकी आपने तीन तीन फंदों का मल्टीप्लीकेशन इसे करते हुए जाना है। अब देखिए इसे हम बनाएंगे किस तरीके से। ये मैंने इसमें फंदे डाले हुए हैं। अब पहला फंदा उतारूंगी, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा वापस करके तीन सीधे, एक दो तीन, फिर धागा अपनी तरफ तीन उल्टे, एक दो तीन, धागा वापस तीन सीधे, एक दो तीन। पूरी लाइन ऐसे ही करनी है, तीन उल्टे बनाने हैं और तीन सीधे बनाने हैं आपने। तीन उल्टे तीन सीधे, अगेन तीन उल्टे, और ये लास्ट का फंदा। अब देखिए पलट के, अब जो जैसा दिखेगा हमें उल्टी साइड में वैसा ही करना है, यानी कि सीधा दिखेगा तो सीधा बनाएंगे, उल्टा दिखेगा तो उल्टा बनाएंगे। अब पहला उतारने के बाद ये सीधे है, तीन सीधे, धागा आगे तीन उल्टे, पूरी लाइन ऐसे खींचेगा। अब पलट लीजिए, फिर से तीन सीधे तीन उल्टे, मतलब जो जैसा दिख रहा है उसे फिर से वैसे ही बनाएंगे सीधी लाइन में। ये उतारा, एक फंदा उल्टा है, धागा आगे ये सीधा, तीन सीधे तीन उल्टे, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से हमने बना लिया। अब जो अगली लाइन है वो हमारी सारी उल्टी जाएगी। ये हमने तीन लाइंस ऐसे बनाई है, चौथी लाइंस को हम जो है पूरी उल्टी करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा चौड़ा भी रख सकते हैं इसे। अब ये देखिए ये लाइन पूरी उल्टी जाएगी। इस तरीके से आपने पूरी लाइन उल्टी करनी है। अब ये लाइन उल्टी की, पलट के आप देखिए क्या करना है आपने। इस तरीके से आपका बन गया ये। अब पहला फंदा उतारने के बाद ये फंदा उल्टा है, तो इसे हम इस तरीके से एक उल्टा ही बनाएंगे। धागा आगे किया आपने, धागा यहीं रहने दिया। देखिएगा अब जो ये तीन फंदे सीधे हैं इसे आपने किस तरीके से करना है। धागा यहाँ है, ये फंदा आप उतारेंगे, ये दो फंदों को आप दो का एक करेंगे ऐसे, और इस वाले फंदे को जो हमने उतारा था इसके ऊपर से इस तरीके से उतार देंगे। धागा फिर से अपनी तरफ करके ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इसे उतारेंगे, इन दो फंदों को ऐसे दो का एक करेंगे, और उतारे हुए फंदे को इनके ऊपर से उतार देंगे। फिर धागा अपनी तरफ ऐसे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, पूरी लाइन ऐसे ही करनी है। धागा अपनी तरफ किया, ये उतारा, इन दो फंदों को आपने दो का एक किया, फिर ये वाला फंदा आपने इसके ऊपर से उतार दिया,
धागा आगे करके तीन फंदे सीधे। अब देख लीजिए उल्टी लाइन में आपने क्या करना है। ये तो आपने ऐसे कर दिया, अब पहला फंदा तो मैं उतारूंगी। अब देखिए ये जो तीन फंदे उल्टे दिख रहे हैं इन्हें तो हम उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन। अब जो ये फंदे हैं जहां हमने दोनों तरफ धागे लपेटे हैं उनको हमें सीधा बनाना है। धागा आगे किया, इसे सीधा बनाया, फिर इसे सीधा बनाया एंड अगेन इसे सीधा बनाया, फिर से धागा अपनी तरफ, तीन उल्टे, अगेन धागा वापस। अब ये देखिए तीन सीधे, एक दो तीन, फिर से धागा अपनी तरफ, तीन उल्टे, फिर से धागा वापस, तीन सीधे। अब ये लास्ट का फंदा है, इनको ऐसे बनाइएगा। अब पलट लीजिए, ये देखिए ऐसे बन गया आपका। अगेन अब जो जैसा दिख रहा है उन्हें फिर से चार लाइन समय वैसे ही करनी है। ये उतारा आपने, अब ये पहला फंदा सीधा, अब ये देखिए तीन उल्टे दिख रहे हैं तो इन्हें उल्टे बनाएंगे, यानी कि जो जैसा दिख रहा है चार लाइन अब आपने फिर से वैसे ही करनी है। ये देखिए तीन सीधे, तीन उल्टे, फिर तीन सीधे, तीन उल्टा, अगेन तीन सीधा और ये लास्ट का फंदा। फिर से पलट के उल्टी लाइन, वही जो जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही करेंगे। देखिए उतारा, ये उल्टे हैं, तीन उल्टे, तीन सीधे, तीन उल्टे, तीन सीधे, तीन उल्टे, तीन सीधे और ये लास्ट के दो फंदे। ये देखिए अब ये लाइन बनाने के बाद अगली लाइन हम उल्टी बनाएंगे। अब पहले ये लाइन वो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। ये उतारा, ये एक सीधा, धागा अपनी तरफ, ये तीन उल्टे, एक दो तीन, धागा वापस, तीन सीधे, धागा अपनी तरफ, तीन उल्टे, धागा वापस, तीन सीधे, फिर धागा वापस, तीन उल्टे, धागा वापस, तीन सीधे और ये लास्ट का फंदा। अब जो उल्टी लाइन जाएगी वो हम पूरी उल्टी बनाएंगे, उसमें हम तीन सीधे उल्टे नहीं करेंगे, पूरी लाइन ऐसे उल्टी बनेगी इस तरीके से। ये देखिए अब फिर से जो हमने ये किया था यहाँ पे भी हम वही करेंगे, यानी कि ये सीधे फंदों पे हमें जो हमने ये किया था डिज़ाइन उसे हमें बनाना है। अब देखिए कैसे, ये उतार के पहला फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर यहाँ पे अब हमें डिज़ाइन डालना है। धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, दो का एक किया ऐसे, उतारा हुआ फंदा आपने इस पे ऊपर से उतार दिया, फिर धागा अपनी तरफ करके तीन सीधे, एक दो तीन, दोबारा धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इन दो फंदों को आपने दो का एक किया, इस फंदे को आपने इस तरीके से उतार दिया, फिर धागा अपनी तरफ किया क्योंकि फंदा घटना नहीं चाहिए, बराबर होना चाहिए, तीन सीधे। अब ये लास्ट में भी हमें इसी तरीके से करना है। ये उतारा, दो का एक किया, इसे उतारा और इसे बनाया। अब फिर से वही जो जैसा दिख रहा है उल्टी लाइन से वैसे ही करेंगे। जो मैंने यहाँ पहली लाइन से आपको बताया है आप ये देखेंगे
पहले यहाँ पे किया और फिर यहाँ पे किया। तो इसी तरीके से आप इसे करते हुए जाओगे तो यहाँ यहाँ इस तरीके से आपका ये बनता हुआ जाएगा। बहुत आसान सा डिज़ाइन है, बिगनर्स के लिए बहुत आसानी से बन जाने वाला डिज़ाइन है और बहुत जल्दी चढ़ने वाला डिज़ाइन है। आप इसे जेंट स्वेटर पे या अपने अगर बच्चों की जो ब्लैंकेट्स होती है वो बनानी है उस पर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा दिखेगा, या फिर अपने मफलर पे भी इसे आप डाल सकते हैं। तो चलिए फिर आप इसे बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।